यार छोटी सी कार है और इसमें स्पेस भी बड़ी ज़बरदस्त है और इसके फीचर्स भी बहुत आला है, तो जल्दी करें, फटाफट आए उसको परचेज करें। स्मॉल वैन, 660 cc स्लाइडिंग डोर, बोथ साइड स्लाइडिंग डोर और टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ। गाड़ी खोलो तो अंदर आला स्पेस, बहुत ही स्पेशियस कार है ये। होंडा एन बॉक्स कस्टम, टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ है होंडा एन बॉक्स कस्टम 2015 मॉडल 660 cc। देखो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद, मुखातिब हूँ आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज ब्रांड न्यू ब्लॉग में मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी आई है, होंडा एन बॉक्स कस्टम 2015 मॉडल है, 2018 की लॉ रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनर, बहुत खूबसूरत गाड़ी और टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ। आप देख रहे हैं मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, वो देखने में बहुत छोटी है लेकिन इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, हाई रूफ है। तो आपको इसके रिव्यू की तरफ लेके चलता हूँ, उससे पहले आप फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी किया करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो चले चलते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। व्यूअर्स, होंडा एन बॉक्स और ये कस्टम है 2015 मॉडल, लाहौर रजिस्टर्ड है, 2018 का, लाख किलोमीटर ये चला हुआ है और आपको दिखने में बिल्कुल ये वैन टाइप लगेगा। आप इसको स्मॉल वैन भी कह सकते हैं क्योंकि ये हाई रूफ है, बट है ये 660 cc और ये बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। और आपको मैं इस गाड़ी को दिखाता हूँ, आप ये देखिए, इसकी क्रोम में शो ग्रिल है और नीचे भी आपको ये क्रोम मिलता है। हेडलाइट इसकी LED है और आपको ये मैं भी ऑन करके दिखाऊंगा, खूबसूरत इसमें DRL मिलता है, नीचे आपको फोग लैम्प मिल जाते हैं और फोग लैम्प इसके हैलोजीन है, नीचे भी आपको क्रोम की ग्रिल मिलती है प्लास्टिक के साथ। बिकॉज़ ये कस्टम मेड है इसलिए आपको कस्टम में ये क्रोम ग्रिल, LED हेडलाइट, 3 प्रोजेक्शन वाली मिलती हैं। नहीं तो इसमें अनबॉक्स बिल्कुल बेसिक वेरियंट में भी आया था, उसमें आपको एक सिंगल लाइट मिलती है और ये आपकी फ्रंट फोग ग्रिल बिल्कुल बेसिक वाली मिलती है। और आपको मैं राइट साइड की प्रोफाइल दिखाता हूँ, आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये हाई रूफ है, स्मॉल वैन आप इसको बोल सकते हैं लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको अभी अंदर से भी दिखाता हूँ, पहले हम इसके अलॉय व्हील देख लेते हैं। इसमें वीवर्स डनलॉप के टायर इंस्टॉल हैं और 14 इंच का इसका टायर साइज है। अलॉय व्हील इसमें होंडा कंपनी के ओरिजिनल लगे हुए हैं, साइड स्कर्ट्स इसमें आते हैं और इसकी आप ये देख सकते हैं, ये है एक ही पीस में मगर इसका डिज़ाइन, इसके जो कर्व है उसमें आपको ये यूं ही फील होगा कि ये ओवर फेंडर इस पर इंस्टॉल हुए हुए हैं, बट ये सिर्फ इसमें बॉडी में इन्होंने ये स्टाइल बनाया हुआ है। साइड में मिरर आप देखें तो इसके इंडिकेटर्स मिरर हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं। और व्यूअर्स, आप ये देखें तो इसका इतना खूबसूरत साइज़ में इसका यहाँ पे भी क्वार्टर ग्लास आता है, फ्रंट पे और बैक पे भी आता है। तो साइड इसके डोर ग्लास और बैक ग्लास ये ओरिजिनल टिंटेड है, डोर वाइजर ओरिजिनल होंडा कंपनी के इसमें लगे हुए हैं, डोर लैचेस क्रोम में और कीलेस एंट्री है। पीछे चलते हैं तो बैग इसकी मैं आपको दिखाऊं तो बैग से भी ये बिल्कुल आपको वैन की लुक देता है और ख़ूबसूरत है। ऊपर आपको स्पोर्ट्स पॉलर मिल जाता है, डिगी गार्निश आपको बिल्कुल क्रोम में मिलती है, होंडा की बैजिंग है, ये आपको यहाँ पे कस्टम की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे ये आपको एनबॉक्स की बैजिंग मिल जाती है। नीचे बम्पर में देखें तो बम्पर पे नीचे वाली साइड पे आपको क्रोम मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिलते हैं और ये टेल लाइट इसकी भी बड़ी खूबसूरत सी है। लेफ्ट की प्रोफाइल भी देखें तो गाड़ी आपके सामने है, बहुत अच्छी। ये भी आपको नीचे फ्लोर का व्यू आप ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैमरा मारूँ तो मेरे पाँव इस मिरर में देख रहे हैं, आपको ये फ्लोर का व्यू आपको ये क्लियर करवाता है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स, आपको मैं इसकी हेडलाइट दिखाता हूँ। ये देखें जी, इसकी LED हेडलाइट्स, फोग लैम्प और इसका DRL देखें कितना खूबसूरत है। टेल लाइट्स भी आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी टेल लाइट भी इसकी बड़ी क्रिस्टल सी, बड़ी प्यारी इसकी टेल लाइट है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो व्यूअर्स, इसमें आपको सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ आपका बैक, ये साइड व्यू मिरर जो है इसमें आप ये लाइन देख सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करता है रात में, इसमें आपको बैक का व्यू बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट टाइप ये आपको हेल्प करता है। तो डोर पोशेस आपको मैं दिखाऊं तो डोर पोशेस में आपको कप होल्डर मिलता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ये
पियानो ब्लैक कलर में ये पीस मिलता है, फोर डोर ग्लास आपके ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर। इस साइड पे आपको मैं दिखाऊँ तो एन बॉक्स के ओरिजिनल फ्लोर मैट हैं, ये इसकी सीट्स हैं, सीटें बड़ी कंफर्ट और बड़ी सॉफ्ट हैं। सेंटर आपको आर्मरेस्ट मिलता है और ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, ये बटन इसका लगा हुआ, अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो ये नीचे से चला जाएगा और अगर मैं इसको उठाना चाहूँ तो ये यूँ इसको आप उठा सकते हो और ये आपकी एक सीट बिल्कुल मुकम्मल बन जाती है। और उसके बाद व्यूअर्स आपको मैं इसमें एक और अच्छी चीज़ दिखाऊँ तो ये इको की ऑप्शन भी है और ये है इसके जो है पावर स्लाइडिंग डोर है, जो अगर मैं यहाँ से इनको प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करूँगा तो क्लोज़ हो जाएंगे। मैनुअली अगर आप इन डोर्स को ऑपरेट करना चाहें तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, इस बटन को तो ऑपरेट कर सकते हैं। ये अगर आप प्रेस करेंगे तो लॉक अनलॉक के साथ आपके साइड व्यू मिरर ऑटो रिट्रैक्ट होंगे और ये नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको सामान रखने की ऑप्शन मिलती है, कप होल्डर आपको डोर पोस्टर्स में मिलता है, इस साइड पे मिलता है और व्यूअर्स आपको ये पैसेंजर साइड पे मिलता है। स्टीयरिंग व्हील खूबसूरत लेदर का है, क्रूज इसमें आया हुआ है और आपको यहाँ पे होंडा की बैजिंग मिलती है। एयरबैग आपको फ्रंट पे 6 मिलते हैं, 2 आपको यहाँ पे मिलते हैं, 2 आपके फ्रंट पिलर में है और 2 इन फ्रंट सीट्स के अंदर आपको एयरबैग मिलते हैं। बोथ साइड आपका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग और क्लस्टर आप इसका देखें तो खूबसूरत इसका क्लस्टर है और ये 1,00,000 किलोमीटर चली हुई है। आप होस्टरी भी इसकी बड़ी प्यारी है, टेम्परेचर की गेज जो है वो टेम्परेचर आपको इसमें शो होता है। नीचे आपको ओरिजिनल जो है वो गैदर्स का टीवी नेविगेशन मिलता है, बैक व्यू कैमरा और ये भी इसमें स्पेस मिलती है, यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। एसी वेंट्स इसमें 4 हैं जो चारों आपको फ्रंट पे मिलते हैं। पुश बटन स्टार्ट, गियर नॉब इसकी यहाँ पे आती है, क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, ग्लो बॉक्स इसका इस साइड पे आपको मिल जाता है और कार चार्जर की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती है और नीचे ये भी आपको बॉक्स मिलता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊँ तो व्यूअर्स ये देखें इसकी फ्रंट स्क्रीन का व्यू कितना ज़बरदस्त है, ये आपका क्वार्टर ग्लास और ये आपकी फ्रंट स्क्रीन। और उसके बाद इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आप ये देखें आपको इस मिरर के अंदर तो इसकी जो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको इस व्यू मिरर में आपको ये इन साइड से बाहर जिधर से मैंने आपको भी दिखाया था कि मेरे शू नज़र आ रहे थे, मेरे पाँव नज़र आ रहे थे उस मिरर में, तो ये इधर से आपको व्यू उस मिरर में जाते हो और आप देखें कि आपका फ्लोर कितना क्लियर आपको दिख रहा है। उसी तरह ये ऊपर वाला है तो ये भी आपको दोनों जो है हेल्प करते हैं आपकी टर्निंग पॉइंट पे और फ्लोर में, और आपको ये इन्होंने यहाँ पे मैनुअली भी बनाया हुआ है, आपको हेल्प की हुई है कि ये आपकी जो मिरर है वो ये हेल्प करेंगे। वैरायटी ऑफ मिरर्स दोनों सनशेड में आपको मिलते हैं और गाड़ी की स्पेस बहुत अच्छी है व्यूअर्स। और उसके बाद व्यूअर्स आपको ये इंटीरियर इसका जो है स्टीयरिंग व्हील और ये क्लाइमेट कंट्रोल, गियर नॉब और ये फ्रंट, ये ऑलमोस्ट आपका N1 की तरह, क्योंकि ये होंडा N1, N वैगन, N बॉक्स ये सेम एक ही तरह की आई थी, सिर्फ इनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पावर डोर आपके यहाँ से ऑन होता है, उसी तरह ये आपके की के अंदर भी ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप यहाँ से भी अपने डोर्स को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ इसको मैनुअली ओपन करता हूँ तो मैं इसको यूँ प्रेस कर दूँ तो आपका ये ऑटो स्लाइडिंग डोर ओपन हो जाता है और आपको बहुत ज़बरदस्त इस गाड़ी के अंदर बैक केबिन में स्पेस मिल जाती है जिसमें 2 पैसेंजर इजीली बैठ सकते हैं। और ये आपके सामने एडजस्टेबल सीट है, आप इस सीट को यूँ बेंड कर दे तो आपके पास अच्छा खासा ट्रंक बन जाता है। और इस सीट को ये लेग स्पेस आपके सामने है, मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ, ये देखें कि ये मैं अच्छा खासा ये गैप है मेरी नीज में, आपको दोनों साइडों पर ट्रे मिलता है, आप इस ट्रे के अंदर अपना सामान रख सकते हैं, जो भी आपने खाने पीने की चीज़ें रखनी है। रूफ़ इसकी देखें और उसके बाद आपके पास इसमें स्पेस अच्छी खासी है। मैं आपको यहाँ से आइडिया देता हूँ कि ये सीट बिल्कुल बैक पे है और ये मैं इसमें बैठा हूँ और ये देखें कि ये यहाँ तक इसकी स्पेस है और ये सीट इतनी मैंने आगे की भी थी, मैं इसमें भी अभी कंफर्टेबल बैठा हुआ फील कर रहा था। दोनों सीटों के सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, क्वार्टर ग्लास, एयरबैग आपको बैक पर मिल जाते हैं। और व्यूअर्स इसमें अगर मैं आपको हेड स्पेस भी दिखाऊँ तो अच्छी खासी है, क्योंकि ये गाड़ी हाई रूफ है, इसका व्यू ही बड़ा आला है, अंदर से इसकी स्पेस बड़ी अच्छी है। तो स्लाइडिंग डोर मैं बंद करता हूँ तो आपको प्राइवेसी कर्टन मैनुअली मिलते हैं, आप इनको यूं अप कर सकते हैं, दोनों साइडों पे आपको प्राइवेसी कर्टन मिलते हैं और ये क्वार्टर ग्लास देखें, यहाँ से भी आपको बाहर का व्यू बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। तो गाड़ी बड़ी स्पेशियस है व्यूअर्स, 660 cc है ट्रंक इसका, यहाँ से ओपन होगा और ये आपके पास ट्रंक में स्पेस आ जाती है, आप इन दोनों सीटों को बेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको एज अ
लोडिंग में यूज़ करना है आप लोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 660 सीसी इंजन है, इस इंजन के साथ ज़्यादती ना हो। फोर हेडरेस्ट स्पेशियस कार, सीटों के अंदर भी आपको एयरबैग मिलते हैं, कंप्लीट ये पावर पैक कार है जिसको आप जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, होंडा एन बॉक्स कस्टम 2015 मॉडल 660 सीसी, और गाड़ी आपके सामने। अगर आपको गाड़ी पसंद है तो आप फ़ौरन विज़िट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई बात अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।